कैसी बातें कर रही हो मुझसे लड़की? लड़की? इस लड़की को आपके शौहर ने मरवाने की कोशिश की थी। आपके घर के ड्राइवर की जान भी जा चुकी है इस एक्सीडेंट में। मैंने तुम्हें उस दिन कहा भी था कि अगर तुम चाहो तो अपने हालात बदल सकती हो, लेकिन लगता है जैसे तुम अपने हालात बदलना ही नहीं चाहती। ये क्या हरकत थी? कोई तहजीब होती है, कोई अखलाकियात होते हैं। बाहर मेहमान बैठे हुए हैं, ना सलाम ना दुआ, ऐसे कैसे सीधा कमरे में आ गई हो तुम? कमरे में कैसे आए? मैं इस घर में नहीं आना चाहती थी। आपके बेटे की वजह से मेरा बाप बिस्तर पे है, मजबूर हूँ मैं, आना पड़ा मुझे यहाँ। और आप अपनी ये तहजीब और अखलाकियात मुझे ना सिखाएं। आपकी तहजीब मेरे आगे मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। जबान संभाल के बात करो, हवास खता तो नहीं हो गए तुम्हारे? हवास ठीक हो गए आप सबकी सच्चाई जान के। ये तुम कैसी बातें कर रही हो मुझसे लड़की? लड़की? इस लड़की को आपके शौहर ने मरवाने की कोशिश की थी। आपके घर के ड्राइवर की जान भी जा चुकी है इस एक्सीडेंट में, और मैं बेवकूफ आपके बेटे के और आप सबके जुल्म इसीलिए बर्दाश्त करती रही क्योंकि मैं एक शरीफ बाप की बेटी हूँ। ये तुम क्या कह रही हो, कैसी बातें कर रही हो? तुमसे किसने कहा कि नवाब साहब ने तुम्हें मरवाने की कोशिश की थी? मैं खुद सुन के आ रही हूँ। वो बंदा पकड़ा गया है, मुझे पता है उसको मरवा दिया जाएगा, लेकिन मैं अब सच जान चुकी हूँ। देखो जो भी हुआ ना, वो अब पुरानी बात हो गई है, भूल जाओ। अब तो हालात बदल चुके हैं। देखो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस घर में सब तुम्हें अपना लें, बस मुझ पे एक एहसान कर दो। ये सब बातें ना मेरे बेटे को मत बताना प्लीज। वाह, दाद देनी चाहिए आपकी खुदगर्जी की। आप लोगों की वजह से एक मासूम इंसान की जान चली गई। उसकी बीवी थी, बच्चे थे, मैं मरती मरती बची। लेकिन आप मेरे सामने सिर्फ इसीलिए परेशान है कि शमशेर को कुछ पता ना चले। आपको तो अपने उस दरिंदा सिर्फ शोर को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। मैं Assalamu alaikum. Please subscribe to AYY Digital YouTube channel for amazing content.